सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि वीवो ने Z1 Pro स्मार्टफोन को इंडिया की मार्केट में लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों, मोबाइल फोन के प्राइस हमें 14,990 रुपये मिलते हैं, मतलब 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज वेरिएंट के प्राइस हमें 14,990 रुपये मिलते हैं। बट दोस्तों, इसी प्राइस रेंज में हमें Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन भी देखने को मिलते हैं, जिसके प्राइस है 13,999 रुपये। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि हम Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन को खरीदे या आने नए स्मार्टफोन वीवो Z1 Pro को खरीदे। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन से स्मार्टफोन बेस्ट है। तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज दोस्तों, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन पर आपको 6.53 इंच की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, वह Redmi Note 7 Pro पर आपको 6.3 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पंच होल डिस्प्ले हमें Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन पर मिलेगी और एक वाटर ड्रॉप नोच आपको Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन पर मिलती है। अगर आप पंच होल डिस्प्ले के शौकीन हो तो दोस्तों, आपके लिए Vivo Z1 Pro बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोस्तों, आपको स्नैपड्रैगन 712 का पावरफुल चिपसेट Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन पर मिलेगा। वहीं दोस्तों, Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन पर आपको स्नैपड्रैगन 675 का चिपसेट मिलता है। हालांकि दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन में अच्छे चिपसेट मिलते हैं, लेकिन दोस्तों, जो नया चिपसेट है वो हमें Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन पर देखने को मिल जाता है, जिससे हम दोस्तों अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं। कैमराज की बात करें तो दोस्तों, Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन पर आपको ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें 16 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP के 3 कैमरे मिलते हैं और 32 MP का एक सेल्फी कैमरा, वो भी पंच होल डिस्प्ले के अंदर मिलेगा। अगर Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों, मोबाइल फोन में 48 MP जिस पर हमें सोनी IMX586 का सेंसर मिलता है, सेकेंडरी कैमरा 5 MP का मिलेगा। अगर दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें तो 13 MP का एक फ्रंट कैमरा हमें Redmi Note 7 Pro पर मिलता है, जो वाटर ड्रॉप नोच के अंदर दिया गया है। कैमरे के हिसाब से हालांकि रियर कैमरा हमें Redmi Note 7 Pro का अच्छा मिलता है, बट दोस्तों, Redmi Note 7 Pro पर हमें एक तो वाइड एंगल सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, जो हमें Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन पर देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से दोस्तों, कैमरे के हिसाब से भी आपको Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इस पर हमें एक सेल्फी कैमरा बेटर देखने को मिल जाता है कंपेयर टू Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है, Vivo Z1 Pro की बैटरी हमें बड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलेगी, वहीं दोस्तों, Redmi Note 7 Pro पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों ही मोबाइल फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों, आपको USB-C टाइप पोर्ट Redmi Note 7 Pro पर मिलेगा। ये दोस्तों, USB-C टाइप पोर्ट हमें Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन पर देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही मोबाइल फोन पर दोस्तों, रियर साइड में एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। सभी तरह की बेसिक सेंसर दोनों ही मोबाइल फोन पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन। अगर दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, क्योंकि दोस्तों, Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन के प्राइस हमें मिलते हैं 13,999 रुपये, जिसमें हमें 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज मिलते हैं। वहीं दोस्तों, Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन के प्राइस लगभग हमें 1,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, जो हो गए 14,990 रुपये से। बट दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको रिकमेंड करूंगा, आप Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन की तरफ जाइए, क्योंकि दोस्तों, मोबाइल फोन हमें पावरफुल चिपसेट मिलता है, एक बड़ी बैटरी मिलती है, वाइड एंगल सेंसर मतलब ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप मिलता है, सबसे अच्छी बात यह कि 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि दोस्तों, ट्रेंड के हिसाब से Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन पर आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिलती है। मतलब है कि इस प्राइस रेंज में अभी तक हमें किसी भी मोबाइल फोन पर पंच होल डिस्प्ले नहीं मिली, जो हमें Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन पर देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, आप लोगों को Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन की तरफ भी जाना चाहिए। तो मुझे आशा है कि दोस्तों, आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज दोस्तों, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।